एवरीवन, आज हम बनाएंगे दाल। उसके लिए हमें टमाटो काट लेने हैं, रेड मिर्ची ले लेनी है सूखी वाली, एंड कच्चे कुछ मसाले, कांदे को चॉप कर लेना है, मिर्ची भी काट लेनी है, एंड थोड़े से कड़ी पत्ता भी यूज़ करना है। साइड में हमने तेल गर्म करने को रख दिया है। जैसे तेल गर्म होगा हम सबसे पहले कड़ी पत्ता डालेंगे। अभी हमने खड़े मसाले लिए तो वो भी डाल देने हैं, हमारे जो ऑनियन है वो भी डाल देने हैं, और उसके साथ ही मिर्ची भी डाल देनी है। अब इसे अच्छे से मैश कर लेना है। थोड़ी देर के बाद हमने जो लाल मिर्ची ली थी उसे भी डाल देनी है, उसी के साथ हम हमारे टोमेटो भी डाल देंगे। अब इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जैसे कि थोड़ा सा नमक डालना है, सिर्फ थोड़ा सा नाम के लिए, थोड़ी सी हल्दी, आप जैसे तो मैंने कितनी सी डाल दी, और थोड़ी सी लाल मिर्ची सिर्फ कलर आने के लिए। इन्हें अगेन हम लोग मिक्स कर लेंगे। अब ये पकेंगे तो मैं एक और राजस्थानी चीज़ दिखाती हूँ, वो है ये जाड़ी की रोटी। ये जाड़ी रोटी जल चुकी है आज तो। इसको कैसे बनाते हैं, इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये हमारा कुकर है जिसमें मैंने चावल एंड दाल दोनों ही डाले थे। आप देख सकते हैं कि साइड में मिर्ची, कांदे, जो भी है उन्होंने अपना तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे हमारी उबली हुई दाल। देख सकते हैं हम गर्मा गर्म दाल यहाँ से लेंगे। ये बहुत ही केयरफुली काम करना है आपको, तो इसको इस मसाले में ऐड कर देंगे। ये डालते समय आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल ही स्लो रखना है। कैमरा पीछे ले, उसको अच्छे से मिक्स। अब जो ये है हमारे बर्तन, उसमें से पानी ऐड करेंगे, इसको मिक्स करो और इसमें डाल दो। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। कर देना है, जैसे ही इसमें उबाला आ जाएगा हमें इस गैस को पूरी तरह से बंद कर लेना है। अब हम लोग जो गैस का फ्लेम है उसे फास्ट कर देंगे, इसका उबाला आने तक हम वेट करेंगे बस। ओके, आप देख सकते हो कि हमारे चावल भी रेडी, साथ में राजस्थानी मक्की, सॉरी जाड़ी रोटी जो कि जल चुकी है पूरी तरीके से। ओ माय गॉड, पापा मम्मी की आज मार पड़ने वाली है बेटा। रोटी जल तो गई है, बट इसमें थोड़ा सा घी मिक्स तो करना ही पड़ेगा हमको अच्छे से, ठंड के कारण देखो घी को भी ठंड लग चुकी है। बट रोटी गर्म करने में तो कोई इशू नहीं है। तब तक मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, वो दाल में उबाला आ रहा है, तब तक आप देख सकते हो कि ओ माय गॉड कितना ब्यूटीफुल व्यू है। ये हमारा गाँव है, वो देखो वहाँ पे चूल्हा पड़ा है मेरा। अब देख सकते हो कि हमारे दाल में उबाल आ चुका है, दाल बन चुकी है टेस्टी टेस्टी। अब हम इसकी करेंगे पुरस्कारी। दाल रेडी है, खाओ पियो मजे करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।